हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास ए एनसीईआरटी का जो यूनिट सेकंड है द सुनामी, उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज हम उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में देखते हैं क्या बताता है। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। देखिए स्टूडेंट्स, एक टिली स्मिथ नाम की लड़की है, ठीक है, जो एक ब्रिटिश स्कूल में पढ़ी हुई है। वहाँ वो क्या है, थाईलैंड में जब सुनामी आई तो वहाँ वो बहुत सारे लोगों को बचा पाई थी। देखते हैं कैसे। दो सी हैज़ ओन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड द डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इन टू अ हीरोइन। देखिए, उसको इस काम के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले थे, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटी को टेलीविजन पे नहीं आने दिए। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम नीचे स्टोरी पढ़ेंगे, थाईलैंड की है, जो टिली स्मिथ के बारे में है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड। स्मिथ फैमिली एक है जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से, वेयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रोस्ट। ठीक है, वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गए थे एक बीच पे, ठीक है, जो सदर्न थाईलैंड में है। टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड गर्ल। देखिए, पॉइंट को नोट करिएगा स्टूडेंट्स, टिली स्मिथ जो है वो 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, एक स्कूल गर्ल है। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड और उसकी एक सिस्टर भी थी जो कि 7 ईयर ओल्ड थी। देयर पेरेंट्स वेर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उनके पेरेंट्स का क्या नाम था, पेनी स्मिथ और कोलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वे। देखिए क्या डेट थी, 26 दिसंबर 2004 की डेट थी और उस दिन क्या, सुनामी का जो वेव था वो अभी रास्ते में था, मतलब कि सुनामी का अटैक जो था वो आ चुका था। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वैक ऑफ नदन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उन्होंने क्या किया था, इस अर्थक्वैक को महसूस किया था, कहाँ, सुमात्रा अर्लियर, नदन सुमात्रा में, ठीक है, अर्थक्वैक को महसूस किया गया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डोंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। देखिए, पेनी स्मिथ जो है वो क्या कहती हैं कि पानी जो था वो पीछे की तरफ भाग रहा था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंसेड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को ये समझ आ गया था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो यहाँ पे रॉन्ग है, इसीलिए पानी जो है बहुत ही तेजी से अंदर की तरफ भाग रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर। अब देखिए, जब टिली स्मिथ ने अपने स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ा था, कब पढ़ा था, 2 वीक पहले पढ़ा था, वो बाद में उनकी, उसका जो दिमाग है उस बात की तरफ जाने लगा। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। और वो क्या कि वहाँ से भागने लगी, अपने फैमिली को भी बोलने लगी कि आप सब लोग यहाँ से भागिए। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल। सी रिमेंबर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, वो देखती है कि सी जो है वो स्लोली राइज कर रहा है, बहुत ही धीरे धीरे राइज कर रहा है, ठीक है, उसमें फोम बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें देख के उसको क्या याद आता है, एक वीडियो याद आता है जो अपने स्कूल में वो देखी रहती है, अपने स्कूल के स्मार्ट क्लास में 1946 में जो सुनामी आया था उसका वीडियो वो अपने स्कूल में देखी रहती है और ये सारे इंसिडेंट्स को देख के, ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसको देख के उसको अपना वो वीडियो याद आता है। हर ज्योग्राफी टीचर had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcano and landslide. अब देखिए, उसके जो ज्योग्राफी के टीचर हैं वो उनको बताए रहते हैं कि सुनामी जो है वो अर्थक्वैक, वेलकैनो और लैंडस्लाइड से
अकर होता है, ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, ठीक है। और टिली जो है उसे ये सारी बातें याद आने लगती है और वो अपने फैमिली मेंबर को क्या बोलती है कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से भागिए क्योंकि सी के अंदर क्या आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज। उसकी मम्मी जो है वो कहती हैं कि जो मेरी बेटी थी वो क्या बहुत ही पैनिक होने लगी थी, जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, ठीक है, और मैं तो ये जानती तक नहीं हूँ कि सुनामी होता क्या है। But seeing my daughter so fainted, I thought something was serious, must be gone. और अपनी बच्ची को इतना परेशान देखते हुए वो क्या सोची कि कुछ तो गलत है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। Tilly's parents took her and her sister away from the beach. और टिली के पेरेंट्स जो हैं उसे और उसके सिस्टर को लेकर बीच से दूर चले गए। To the swimming pool at the hotel. कहाँ चले गए? होटल में चले गए। होटल में क्या था? स्विमिंग पूल था। A number of other tourists also left the beach with them. और उनके साथ साथ जब टिली जो है शोर कर रही थी, चिल्ला रही थी, सबको वहाँ से जाने को कह रही थी, इन सब चीज़ों को देख के बहुत सारे टूरिस्ट जो बीच पे थे वो भी वहाँ से चले गए। Then it was as if the entire sea had come out after them. अब देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा लगा कि इनके आने के बाद पूरा समुद्र ही बीच पर आ गया हो। I was screaming, run! और सब क्या एक दूसरे से चिल्ला रहे कि भागो भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel. और जो टिली की जो फैमिली थी वो कहाँ चली गई? होटल के थर्ड फ्लोर पे चली गई। The building withstood the surge of three tsunami waves. और building जो था वो collapse हो गया सुनामी की वेव से। If they had stayed on the beach, they would have been alive. अब क्या है, अगर वो बीच पे ही रह जाते तो वो शायद अलाइव रह सकते थे क्योंकि वो होटल के थर्ड फ्लोर पे आ गया और बिल्डिंग जो है वो पानी से क्या हो गया, पूरी तरह collapse हो गया। The Smiths later met other tourists who had lost entire family. Smith जो है वो क्या हुआ, entire family मतलब कि ऐसे tourists से भी मिले जिनकी entire family क्या थी, lost हो गई थी। Thanks to Tilly and her geography lesson that they had been forewarned, Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. देखिए क्या करती है टिली जो है अपने पेरेंट्स के साथ जो होटल में स्विमिंग पूल है वहाँ आ जाती है और बहुत सारे टूरिस्ट भी उनके साथ वहाँ आ जाते हैं, लेकिन एक फैमिली जो होती है वो क्या करते हैं, वो लोग थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं होटल के, कहाँ चले जाते हैं, थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं। और जब वो थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं तो क्या होता है, इतना तेज सुनामी का जो वेव्स है, सुनामी की जो लहरें हैं इतनी तेज़ी से आती हैं कि उस पूरी बिल्डिंग को कोलैप्स कर देती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि स्मिथ जो है वो क्या कहती हैं कि वो बच सकते थे अगर वो हमारे साथ बीच के पास या फिर स्विमिंग पूल के पास रह जाते, ठीक है। और टिली स्मिथ जो है उन लोगों से भी मिलती हैं जो लोग अपने पूरे फैमिली को लॉस्ट कर दिए होते हैं सुनामी में, और टिली जो है अपने ज्योग्राफी लेसन को बहुत थैंकफुल करती हैं कि उसने ऐसा पढ़ा हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान बच गई। और वो अपने स्कूल में जब आती है इंग्लैंड, जब वापस आती है तो अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ इस टेरिफाइंग टेल को मतलब इस डरावने मोमेंट को क्या करती है, शेयर करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कंप्रिहेंशन चेक है, इसको आप खुद से करेंगे, ओके। आई होप आपको पार्ट सेकंड समझ में आ गया हो। आपको कैसा लगा हमें बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।